तो किसी महान आदमी ने कहा था, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड चेंज मेक अस ग्रो। आज का वीडियो जो है ना ये बड़े समय के बाद आया, तो आज के वीडियो में हम यही इसका कारण देखेंगे कि ये वीडियो इतना लेट क्यों आया, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखानी है। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स बिगिन। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, चेंजेस मेक अस ग्रो। फॉर एग्जाम्पल ये फोन जैसे कि आप देख सकते, ये मेरा एक प्रॉपर आप कह सकते हैं फर्स्ट फोन था, जो कि मुझे अफ्टर टेंथ मिला था, एज अ रिवॉर्ड पास हुआ था तो मिला था ये फ़ोन मुझे ये। और इस फ़ोन का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो मैं ये कि जो मुझे अभी फोटोग्राफी की जो हॉबी है ना, जो मेरे अंदर क्रिएट हुई, वो इस फ़ोन के कारण हुई है। क्योंकि इस फ़ोन में ये देखिए एक ही कैमरा था, और इस फ़ोन का मैं बस फोटोग्राफी जो थी करते जाता था, ये फ़ोन से एकदम बेसिक फ़ोटो आते थे, लेकिन उन्हें एडिट करके और उन्हें अच्छे से करने के बाद फिर यहाँ पे शेयर करो वो करो, ये सारी चीज़ें मैं इस फ़ोन से करता था, और मुझे मज़ा आता था बस इस फ़ोन से शूट करने के लिए। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम बेसिक का फ़ोन है, ये मुझे ये मिला था। इसके अंदर रैम भी 1GB की है, तो उस समय 1GB के रैम यानी थोड़ी अच्छी ठीक ठाक होती थी ऐसा। तो उस फ़ोन को पूरे 2 साल तक अच्छे से यूज़ करने के बाद मुझे थोड़ा लगा कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए। और उसी समय मार्केट में आए थे 2 कैमरा वाले फ़ोन, जो कि बोके इफेक्ट देते थे ना, ब्लरी, और ब्लरी इफेक्ट जो रहता है ना पिक्चर में बहुत ही मस्त दिखता है। तो उस समय मैंने गूगल कैम जो है वो इंस्टॉल मेरे पुराने वाले फ़ोन में किया था, और जुगाड़ से अपना पूरा काम चलाते थे। लेकिन लकीली मुझे नया फ़ोन मिल गया, और वो था ये सैमसंग का फ़ोन मेरा, और ये सैमसंग J7 II इसका नंबर है। और इसका कैमरा बहुत ही मस्त था, देखिए जैसे आप देख सकते हैं 2 कैमरा इस फ़ोन में। और इसी फ़ोन से जो मेरा लेवल नेक्स्ट गया था ना फोटोग्राफी का, बहुत ही मस्त था। इस फ़ोन के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है उससे तो बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं, जितने सारे मैंने पिक्चर्स क्लिक किए सारे फ़ोन से क्लिक किए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा चला, और इसी फ़ोन की वजह से मैंने अपना जो यूट्यूब की जर्नी है वो स्टार्ट की इसी फ़ोन के नाम पर। और फिर मुझे याद आया कि ये फ़ोन जो है ना ये वीडियोग्राफी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन का माइक इतना अच्छा नहीं है, इस फ़ोन में हाई फ्रेम रेट पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ना ही इसमें स्लो मोशन है, ना ही इसमें EOS है। ये सारे टर्म जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये एक फ़ोन में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो। और जो भी अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, वो ना होते हुए भी इस फ़ोन को मैंने बहुत चलाया और बहुत सारी वीडियोज़ बनाया। लेकिन दिक्कत तब आई जब इस फ़ोन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए जो है वो ख़राब होती है तब, जो कि है इसका कैमरा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो कैमरा ही है ना ये ख़राब हुआ, और अगर इसका डिस्प्ले टूट जाता या फिर कोई भी और प्रॉब्लम होती ना तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी, बिकॉज फ़ोटोग्राफी के लिए पूरा मेरा फ़ोन है। लेकिन जब ये चीज़ हुई ना तो आई थॉट आई नीड टू अपग्रेड, लेकिन बजट तो ये बहुत से कश्मीर के बाद आई फाइनली अपग्रेडेड टू चेक। हथियार हम कह सकते हैं, और एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसके वजह से अपने गेम्स जो है ना वीडियोग्राफी के वो बहुत हाई होंगे। तो आपसे मिलता हूँ मैं अभी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
Give my jello day,